नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि यदि आप इस तरह की भूमि या मकान खरीद कर रहे हैं जो किसी औरत के नाम से है या फिर विधवा औरत के नाम से है, तो इस तरह की जो भूमि है यदि उस औरत के नाम से जमाबंदी है तो आप खरीद सकते हैं, परंतु वह तभी वैलिड होगा कि यदि ज़मीन या मकान उस औरत के नाम से है और वह अपने नाम से जमाबंदी भी करा रखी है और काफ़ी लंबे समय से उनके नाम से लगान रसीद भी निर्गत हो रहा है। इस तरह की जो औरत हैं, जो ज़मीन मालकिन हैं, वह अपनी भूमि को बिक्री कर सकती है, किसी को दान पत्र कर सकती है, वसीयत कर सकती है, परंतु यदि वह औरत हाउस वाइफ है, पुश्तैनी ज़मीन उनके नाम पर जमाबंदी है या फिर ऐसा कहा जाए कि उनके पति अब नहीं रह गए हैं और इस कारण से उन्होंने उस संपूर्ण भूमि का अपने नाम से जमाबंदी करा रखा है, तो इस तरह की जो ज़मीन मालकिन है उन्होंने अपने नाम से जमाबंदी करा रखा है और उनके बच्चे भी हैं, साथ ही उनके पति भी जीवित हैं, और यदि पति जीवित नहीं भी हैं तो उनके बच्चे बालिग हो चुके हैं, तो इस तरह की जो ज़मीन मालकिन है वह अपने बच्चों के रहते हुए जमाबंदी करा लेने पर भी वह पूर्ण स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकती है। पूर्ण स्वामित्व उन्हें तभी प्राप्त होगा जबकि आपसी पारिवारिक बंटवारा के बाद उन्होंने अपने नाम से भूमि का नामांतरण कराया है, तभी उसे वैलिड माना जाएगा, अन्यथा उसे पूर्ण स्वामित्व कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। और यदि इस तरह की औरत या विधवा औरत अपनी भूमि, जमीन या मकान को बिक्री करती है तो इसके लिए उन्हें पारिवारिक सहमति की आवश्यकता होती है और उनके जो बच्चे हैं, जो बालिग हो चुके हैं, पुत्र हो या पुत्रियाँ, उनकी सहमति जमीन बिक्री करने में आवश्यक है। और ज़मीन खरीद करने वाले को भी चाहिए कि यदि वह सेल डीड तैयार करवाते हैं तो उस पर उनके पुत्र या पुत्रियों को भी पहचानकर्ता बनाया जाए, तभी उन्हें भविष्य में किसी लफड़े में नहीं पड़ेंगे, किसी मुकदमाबाजी के चक्कर से दूर रहेंगे। यदि इस तरह की ज़मीन मालकिन आपसी पारिवारिक सहमति के बिना अपने नाम की संपत्ति को बिक्री कर दिया है या वसीयत कर देती है या दानपत्र कर देती है तो वह वैलिड नहीं हो सकता है, वह मामला मुकदमा में फंस सकती है। तो मेरा कहना था इस संदर्भ में कि यदि इस तरह की औरत अपनी संपत्ति बिक्री करती है तो पूर्णतः उन्हें पारिवारिक सहमति की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि इस तरह की कानूनी सलाह, इस तरह की कानूनी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।